हाय गाइस, मेरा नाम हिमांशु है और मैं आप ही की तरह एक सिंपल सा बंदा जो जॉब के साथ साथ ट्रैवल करता है। और आज मैं काफी दिनों से घर पे बैठा हुआ था और मैं बोर हो गया था और मैं पागल हो गया था, मुझे जाना था तो मैं आज घर से निकल गया हूँ चोरी छुपे इधर उधर से अंदरों के रास्ते घुस घुस के। आज मैं हल्द्वानी से नैनीताल घूमने जा रहा हूँ पूरी तैयारी के साथ, सैनिटाइजर साथ में है, मास्क वगैरह लगाया हुआ है, फुल ऑन तैयारी के साथ जा रहा हूँ। और इस वीडियो में आपको पता लगने वाला है कि अगर आपको ऐसे लॉकडाउन में चोरी छुपे निकलना है तो उसके लिए कैसे करना है, पूरी जानकारी मिलेगी वीडियो के एंड में, तो वीडियो को देखते रहे। अभी फिलहाल मैं पहुंच गया हूँ रस्ते में, यहाँ पर से व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा एक बार वीडियो बना ली जाए। और बेसिकली अभी यहाँ पर मैंने गाड़ी लगा दी है साइड में तो वीडियो को देखते रहे, मतलब देख लेना आगे नैनीताल के अमेजिंग व्यूज आने वाले हैं। तो चलिए धीरे धीरे चलते हैं आगे की ओर। तो गाइस अभी मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ रस्ते में झोलीकोट के पास और यहाँ से हम नैनीताल जाने वाले हैं। अप्रॉक्स यहाँ पे आधे घंटा पौने घंटा के आसपास लगेगा हमें और वहाँ जाके सबसे पहले हम जाएंगे वहाँ पे स्टेडियम में, स्टेडियम देखेंगे कैसा है, उसके वहाँ पे आपको ताल घुमाऊंगा मैं, वहाँ पे अगर बोटिंग होगी बोटिंग करेंगे और चाइना पिक जाएंगे, बहुत सारी जगह जाएंगे अमेजिंग, हर एक कोने कोना छान मारेंगे नैनीताल का, मतलब कुछ नहीं छोड़ेंगे भाई साहब, कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब घूम लेंगे। वीडियो को देखते रहना, कितना मजा आने वाला देखना। फिर अभी रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। गाइस फिलहाल हम नैनीताल पहुंच गए हैं, जैसा कि आप देखेंगे पूरा खाली है, एक बंदा नहीं दिख रहा है यहाँ, पूरा लॉकडाउन का टाइम है अभी, हम तो अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के यहाँ पर आए हुए हैं, समझ रहे हो, बहुत ही बच के आए हुए हैं, कोई लॉकडाउन है तो बाहर निकलना मुश्किल है, बाहर जाने नहीं दे रहे हैं, कैसे भी करके बच बचा के यहाँ पर पहुंचे हैं। और जैसे कि देखो पूरा खाली पड़ा हुआ है और लेक इतनी अच्छी साफ दिख रही है, मछलियाँ साफ दिख रही है, देखो जैसे कि आप देखोगे मछलियाँ इतनी क्लीन दिख रही है, साफ दिखाई दे रहा है। और मैं आपको यहाँ की लेक दिखाता हूँ, लेक इतनी जबरदस्त दिख रही है, एक नंबर लेक दिख रही है। सो गाइस जैसा कि आप देखोगे अभी पूरा खाली पड़ा है, अगर पहले की अगर वीडियो देखो, अगर आप मेरी पुरानी नैनीताल वाली, तो यहाँ पे इतनी भीड़ रहती थी, इतनी नावें यहाँ पे बोट्स वगैरह रहती थी और इतना रश रहता था यहाँ पे, आज देखो लॉकडाउन के दौरान पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो चलिए थोड़ा नीचे देख के आते हैं लेक के पास और देखते हैं क्या, कितना सही पानी साफ हो गया आजकल, बिकॉज ऑफ लोग है नहीं यहाँ पे और बोटिंग वगैरह नहीं हो रही है, तो उस वजह से पानी भी बहुत ज़्यादा साफ हो गया। चलो मैं आपको थोड़ा नीचे लेके चलता हूँ, अभी आपको मछलियाँ दिखाते हैं बढ़िया, ये देखिए बिल्कुल हम यहाँ पे आ गए हैं, आपने देखा होगा पुरानी वीडियोस में, अभी यहाँ पर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, अगर आपको देखना है यहाँ पे मैंने डाला हुआ है कि कहाँ कहाँ नैनीताल में घूमने जा सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको यहाँ का स्टेडियम दिखा देता हूँ, यहाँ पे बहुत बड़ा फेमस स्टेडियम है जो कॉन्क्रीट का बना हुआ है, तो चलिए यहाँ का स्टेडियम चल के देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे क्रिकेट के टूर्नामेंट्स वगैरह होते रहते हैं। जी क्या नाम हुआ आपका? धन सिंह। तो आप यहीं के हुए, तो आजकल वोटिंग का क्या है सीन यहाँ पे? बंदी है सर, तो ये आ जाता तो घुमा लेते। अच्छा, मतलब हो रही है अगर आप चाहे तो कोई? हाँ, सुबह सुबह 10 बजे तक तो घुमा लेते। अच्छा, तो आता है कोई यहाँ पे? अभी कब आ रहा है, हफ्ते 15 दिन में एक राउंड लगता है। जैसे कोई वैक्सीन लगाने आ रहा है तो अपना एक ग्राउंड लगा सकते हैं सर, तो कोई हाँ बोलता तो घुमा लाते। अच्छा अच्छा, तो आपका तो बड़ा मुश्किल हो गया होगा दिनचर्या आजकल? डेढ़ महीना हो गया पूरा बंद है। तो फिर कैसे कर रहे हो आप, क्या सुविधा कुछ मिल रही है आपको? कोई सुविधा नहीं लगी। अच्छा, बड़ा मुसीबत है यार, ये तो बहुत दिक्कत हो रही है। सो गाइस ये है वो कंक्रीट का स्टेडियम जो मैं बता रहा था आपको, यहाँ पे कई सारे फुटबॉल के भी मैच होते हैं और यहीं सारे कई सारे यहाँ पे क्रिकेट के भी मैच होते हैं, काफ़ी बड़े टूर्नामेंट्स वगैरह यहाँ पे होते हैं नैनीताल के इस स्टेडियम में, काफ़ी फेमस है ये स्टेडियम, जैसा कि आप देखेंगे पूरा कंक्रीट का मैदान है, ये पता नहीं लोग कैसे खेल लेते होंगे उसके ऊपर, डाइव मारने में तो हाथ पांव छिल जाते होंगे, बड़ा पथरीला स्टेडियम है सीरियसली। और यहीं पर सामने है स्टेडियम के सामने मस्जिद और यहीं पर चर्च भी है पीछे, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए, अब आओ तो यहाँ स्टेडियम पक्का आना। और मैं आपको बता दूँ ये वीडियो जो है कोई भी घूमने फिरने वाली है, ट्रैवल व्लॉग नहीं है, मैं वैक्सीनेशन लगाने आया था। कैसा लगा मेरा मजाक?
मैं हल्द्वानी में हूँ, हल्द्वानी में वहाँ पे स्लॉट्स बुकिंग नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने नैनीताल सेलेक्ट कर लिया था बिकॉज यहाँ पे मुझे मिल गई थी। तो इसलिए मैं अभी वैक्सीन लगाने आया हूँ। ये है वैक्सीन सेंटर मेरे पीछे, जैसा कि आप देखेंगे ये स्टेडियम है नैनीताल का, यहीं पे बूथ बनाया हुआ है। अगर आप लोग हल्द्वानी के आसपास रह रहे हैं तो ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है बिकॉज यहाँ पे भीड़ बहुत कम है। तो यही है, बाकी मैं यही बोलना चाह रहा था कि जो लोग घूमने फिरने के लिए देख ले, अभी घर पर रहे कुछ टाइम और रुक जाइए, कुछ 6-7 महीने और रुक जाइए, घर पर रहे, सुरक्षित रहिए, वैक्सीनेशन जल्दी जल्दी करा लीजिए। और फिलहाल हमने वैक्सीनेशन कराना है, वहाँ पे क्यू में जाके आपको वो अपना सिक्योरिटी कोड बताना है, उसके बाद आधा घंटा पर ऑब्जर्वेशन के लिए रखेंगे, तो आधा घंटा वेट करेंगे, उसके बाद हम फिर निकल जाएंगे वापस घर की ओर। बैठते हैं गाड़ी से। सैनिटाइजर लगाया था, इसमें भी लगा। यही था बस, आपको ये बोलना था मुझे कि यार आप वैक्सीनेशन ज़रूर करा लें, टाइम से करा लें। अगर आप वैक्सीनेशन कराने के लिए आपको एक प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, तो उसका एक ट्रिक है वैक्सीनेशन कराने का, एक हैक है कैसे आपको बुक कराना है स्लॉट, उसका लिंक एक वीडियो बनाई है उसके ऊपर, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके देख लेना कैसे आप जल्दी से वैक्सीनेशन स्लॉट बुक कर सकते हो उसके ऊपर। तो बाकी यही है, हमने वैक्सीनेशन कराते हैं फटाफट और उसके बाद निकल जाएंगे घर को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।